Hey you guys, welcome to my channel. Thank you so much for watching this video. Today we are going to do Amazon haul, and it's a mixed haul. Like I have bought some clothes and then skincare and earring which I'm already wearing. Wow. So yes, without wasting any time, let's start the video. So as I already said, this earring is from Amazon. I loved it. Like मेरे को झुमका भी बहुत पसंद है, चांदबाजी भी बहुत पसंद है. बहुत ही cute and बहुत ही minimal लगा. मिनिमल ही है, सच बताऊं गाइस, मिनिमल ही है. लाइक इतना इस साइज का तो हम ऑफिस में एंड कॉलेज में पहन ही सकते हैं, एंड जस्ट यूं ही बाहर निकलते हैं तो ही पहन सकते हैं. एंड काफ़ी हल्की, इट इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड काफ़ी प्यारी है. मुझे इसका लुक काफ़ी अच्छा लगा. कुर्ता सेट पे, कुर्ती से बहुत मस्त लगेगा, सच बता रही हूँ. एंड द सेकेंड वन इज दिस कुर्ता विच आई एम ऑलरेडी वेरिंग. ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा. इसके नेक में इट जस्ट ऐसे गोटा का एक काम, मतलब नो वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड ये फुल सेट है, मीन्स इसके ऊपर कुर्ता है, एंड सेम पैटर्न में, सेम प्रिंट में इसके नीचे पजामी है, विच लुक्स सो गुड. लाइक कि नो ऑलरेडी पेयर है तो हमें नो जस्ट अरे काफ़ी सिंपल है, लाइक ऑफिस एंड नो कॉलेज के लिए परफेक्ट है. जस्ट पहना है, हम निकल गए. एंड समर्स आ रहे हैं गाइज, लाइक समर्स इज ऑल अबाउट कुर्तीज एंड कुर्ता सेट सीजन आई गेस, बिकॉज ये कॉटन में होते हैं एंड काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं. इसकी जो प्राइस एंड जो भी है मैं साइड में ऑब्वियसली मैंशन कर दूँगी, एंड आपको वीडियो भी दिख ही रहा होगा कि यू नो रेफरेंस के लिए कि एग्जैक्टली इनके पहन के कैसा लगता है. एंड येस मेरी जो मैं जो साइज परचेज करती हूँ वो एस होता है, एंड मेरी जो हाइट है वो है 5.4. सो येस, सबका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक करो. रिंग परचेज की है फर्स्ट, जो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी. आप देख ही सकते हो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, पिकॉक शेप में है. एंड सी बहुत, एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. एंड ये 2-in-1 था, लाइक दो साथ में थी. एंड ये दूसरा, ये बाराती बारात जो जा रही है उसके शेप में, ये थोड़ी हैवी हो जाएगी, जो आपको मतलब आप एक्चुअली में नो रेडी हो एंड साड़ीज पे इन सब पे बहुत अच्छी लगेगी. बट ये रेगुलर वेयर भी आप पहन सकते हो. सो बहुत ही है, दोनों बहुत ही, एक हैवी है एंड एक रेगुलर वेयर के लिए परफेक्ट है. मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऊपर से ये दोनों साथ में है. एंड प्राइस भी इनकी सच बताऊँ 200-250 समथिंग ही है. मैं मेंशन कर दूंगी बाय द वे. बट या सो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है एंड बहुत ही अच्छी है, प्यारी है. मेरे पास है साड़ी, सी आई लव कॉटन साड़ीज. एंड समर्स आ गए हैं, समर्स में जिसको साड़ी पहनना पसंद है ना, आजकल साड़ी का बहुत फैशन चल रहा है. एंड ब्लॉक प्रिंट में कॉटन की जो साड़ी है वो अभी काफ़ी फैशन में है, लाइक बहुत अमेजिंग लगती है. बट कुछ कुछ क्या होता है, जिनको ड्रेप करना बहुत मुश्किल है कि कौन पहनेगा, जल्दी ड्रेप कौन करेगा, उनके लिए परफेक्ट है. बिकॉज ये ऑलरेडी जो रेडी टू वेयर साड़ी होती है ना, जस्ट ऐसे जस्ट स्टिच किया एंड जस्ट पहन लिया, बस वह वैसी वाली है. इसकी प्रिंट ब्लू कलर में है, इसकी प्रिंट काफ़ी अच्छी है. एंड ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन पहन की काफ़ी ठंडा फील होगा, काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी हल्की है. प्रिंट इसकी आप देख ही सकते हो, काफ़ी अमेजिंग है. लाइक रेडी टू वेयर साड़ी है तो आपको ड्रेप करने में इन सब में भी समय बिल्कुल नहीं जाएगा. सो आई लव इट, मेरे को बहुत अच्छी लगी. एंड इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. देन इसको तो आई थिंक मैंने पहना भी नहीं है. एंड देन हमारे पास है कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है. एंड या ब्लू कलर में, आई थिंक इसके और भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है. सामने इसके जो कश्मीरी काइंड ऑफ ये वर्क होता है ये किया गया है, एंड पूरी प्लेन है. एंड पीछे भी इसका कोई वर्क है नहीं. सो या रेगुलर वेयर के लिए परफेक्ट है, कॉलेज एंड ऑफिस आप जा रहे हो इसके लिए काफ़ी सही है. एंड प्राइस ऑब्वियसली मैंने सारे मेंशन कर ही दिया होगा. सो आई लव इट, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी. एंड देन हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, हीटलेस कर्ल के लिए है. मैंने मैंने इसे ओपन भी नहीं किया है, कल मैं ओपन कर लेती. ओके सो ये सही से कह सकता हूँ गाइस, मुझे अभी क्योंकि मैंने जस्ट अभी ओपन किया है तो मुझे पता नहीं है कैसे यूज़ करते हैं. बट मैंने साथ में दो स्क्रंचीज है, एक क्लोचर दिया गया है, एंड ये इस टाइप का है साइड में. वैसे इसका हाउ टू इसका यू नो प्रोसीड्यूर दिया गया है कि कैसे कैसे करना है. एंड मैं सोच रही हूँ मैं आज रात को ये इसको पूरा एक पूरा डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊंगी कि एक्चुअल में ये कैसा यू नो आता है, कि क्योंकि देख आप ये मेरे नेचुरल हेयर है. एंड सर बताऊँ गाइस, मुझे रोज़ ही शूट करना होता है तो मैं स्ट्रेट नहीं करती हूँ. एंड सर बताओ मेरे बाल जो है ना, मुझे ऑलरेडी बहुत फ्लैट लगता है, तो मैं सोच रही हूँ स्ट्रेटनर से बेटर है कि थोड़ा कर्ल हो जाता है. रोज़ हीट से कर्ल करना
मतलब बाल को डैमेज करना ही है सर बताऊँ तो इसीलिए मैंने ये परचेज किया। मुझे नहीं पता ये कैसा वर्क करेगा, बट मैं इसका पूरा डेडिकेटेड पूरा बना दूंगा, मतलब जिस आज रात को या कल रात को जो भी मैं इसको मतलब यूज़ करूँगी मैं पूरा वीडियो बना दूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो में आई होप देखोगी कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कैसा आता है, सच में ये कर्ल करता भी है कि नहीं। स्किन केयर ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने एक क्रीम परचेज की है, सिंपल का है ये, एंड ये सेरामाइड बूस्टर क्रीम है। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, लेट्स सी कि मैंने दो दिन से यूज़ कर लिया है एंड मुझे काफ़ी मॉइस्ट, बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है आप देख ही सकते हो, एंड तो ये ऑब्वियसली यूज़ करने के बाद काफ़ी नो मॉइस्चराइज फील होता है। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि मैंने सिर्फ दो दिन यूज़ किया तो मुझे और अपनी स्किन में ऐसा कोई चेंजेस तो देखने को मिला नहीं है, बट या मॉइस्चराइजिंग काफ़ी है, काफ़ी स्किन को सॉफ्ट एंड सफल रखती है एंड पूरा दिन मॉइस्चराइज रखती है, जो कि अभी जो मौसम देख रहे हो आप काफ़ी ना ड्राई ड्राई वेदर है, तो इस मौसम के लिए मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो या मॉइस्चराइजिंग काफ़ी है, बट बाकी चीज़ों में इम्पैक्ट मैं आई थिंक पूरा यूज़ करूँगी तभी पता चलेगा। एंड देन मिनिमलिस्ट का SPF 50 सनस्क्रीन, ये मैं दो क्यूब ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अमेजिंग लगता है मुझको। गार्नियर का एंड दिस मिनिमलिस्ट आई थिंक मैं ये दो ही है जो यूज़ करती हूँ, एंड डॉक्टर सीथ का भी एक बार मैंने यूज़ किया था, बहुत अमेजिंग था। और एवर जो भी हो दो तीन सनस्क्रीन है जिनको मैं बार बार यू नो ऐसे चेंज करके करती हूँ, एंड ये मिनिमलिस्ट का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है एंड काफ़ी यू नो मॉइस्चराइज कर देता है एंड एक्चुअली यू नो टैनिंग से बचाता है। सो या आई लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यस गाइस, दिस वाज माय अमेज़न हॉल एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यस, हेयर ट्यूटोरियल जो मतलब कर्लिंग वाला, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई सोच रही हूँ, मैं शॉर्ट्स तो बनाऊंगी प्लस एक डेडिकेटेड पूरा फुल बना दूंगी ताकि पूरा एक्चुअल में आप देख सको कि कैसा आप मेरा नेचुरल हेयर्स देख लो, यही मेरा नेचुरल हेयर, इसको कुछ भी मैंने नहीं किया है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया है, सर बताऊँ कुछ भी नहीं। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट जो हम वीडियो मैं सोचू वही अपलोड करूँ कि एक्चुअल में कैसा है, सो देखते हैं कैसा कर्ल्स में निकल के आता है। सो यस, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती है, बिकॉज वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट हॉल वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।